हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो फिर आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हम आए हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है वो कार में लगे हुए जितने भी कंपोनेंट और सेंसर है उसके रिलेटिव हम बात करेंगे। कार में कितने सेंसर होते हैं, कौन कौन सेंसर होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार में लगे हुए हमारे क्रैंक सेंसर के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर होता है। ये है हमारा क्रैंक सेंसर, ठीक है? ये हमारा फ्लाईव्हील और ये हो गया हमारा क्रैंक सेंसर इस टाइप का, ठीक। कई सेंसरों में हमारे तीन वायर होते हैं, कई सेंसरों में हमारे दो वायर भी होते हैं, दो वायर का सेंसर भी क्रैंक सेंसर में होता है, ठीक। अब क्रैंक सेंसर का काम क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंसर के बारे में कि क्रैंक सेंसर का क्या काम है। क्रैंक सेंसर का काम है इंजन के आरपीएम को मेजर करना, ठीक है? जब इंजन रोटेट होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं इंजन को, जब स्टार्टर को हम स्टार्ट करते हैं, तो जब ये हमारा फ्लाईव्हील घूमता है, ये दो जगह इसकी लोकेशन होती है, एक तो हमारा फ्लाईव्हील, दूसरा हमारी मेन पुली आगे वाली, ठीक है, टाइमिंग पुली। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फ्लाईव्हील के ऊपर आपने देखे होंगे टीथ होते हैं इस टाइप के, ठीक है, पूरे फ्लाईव्हील के ऊपर ऐसे टीथ होते हैं। तो ये टीथ से फ्लाईव्हील के आरपीएम को मेजर करता है, जिससे हमारे इंजन का आरपीएम क्लस्टर पर दिखता है। दूसरी चीज, जब ये सिग्नल देता है ईसीयू को, तो इसके सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे जनरेटर पल्स आती है ईसीयू से, ठीक है। इसका जो सिग्नल ईसीयू को जाएगा तो ईसीयू अपना पावर देगा इंजेक्टर को, और दूसरे जो कंपोनेंट है उसके अंदर डीआरवी, मीटरिंग यूनिट जो भी लगे हुए हैं, सभी कंपोनेंट को ईसीयू कमांड देता है क्रैंक सेंसर के सिग्नल देने के बाद, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर हो गया हमारा क्रैंक सेंसर, क्योंकि सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट होती है सबसे पहले काम इसी का होता है। तो ये क्रैंक सेंसर हो गया हमारा। किसी सेंसर में हमारे दो वायर होते हैं, किसी सेंसर में तीन वायर होते हैं। अब दो वायर और तीन वायर क्या क्या होते हैं, इसमें कौन सा वायर कितने वोल्ट का होता है, कौन सा वायर क्या काम करता है, कौन सा वायर सिग्नल है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा ग्राउंड है, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि अगर हम इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम अभी वायरिंग की या वायरिंग में जो पावर आती है उस सप्लाई की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी सेंसर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सेंसर के बारे में बात करने में ही हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि सेंसर गाड़ियों में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सेंसर है क्रैंक सेंसर। तो जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद क्रैंक सेंसर ईसीयू को सिग्नल देगा कि भाई गाड़ी के अंदर सेल्फ लगा, इंजन घुमा 200 या 400 आरपीएम पे, उसके अकॉर्डिंग ईसीयू पावर देगा, इंजेक्टर पर पल्स देगा, मीटरिंग यूनिट पर पल्स देगा, ताकि वो डीजल प्रेशर को बढ़ा पाए और इंजेक्टर को ऑन कर पाए, ठीक है। तो ये है हमारा क्रैंक सेंसर, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा अगला जो नेक्स्ट सेंसर है वो है इसका छोटा भाई। तो छोटा भाई मतलब कैम सेंसर, ठीक है। और कैम सेंसर की जो लोकेशन होती है वो होती है हमारी कैम शाफ्ट पे, ये हो गई हमारी कैम शाफ्ट, ठीक है। ये हमारी कैम शाफ्ट हो गई। कैम शाफ्ट पे एक पीछे की साइड में यहाँ पर एक टीथ होता है, जिस पे हमारा इस टाइप का एक सेंसर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं कैम सेंसर। इसमें भी लगभग तीन वायर होते हैं, 5 वोल्ट रेफरेंस सिग्नल ग्राउंड, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका भी वही काम है जो क्रैंक सेंसर का है। क्रैंक सेंसर का काम है इंजन के आरपीएम को मेजर करना, कितने आरपीएम पे इंजन घूम रहा है उसको मेजर करना, और ईसीयू को कमांड देना कि भाई इंजन रोटेट हुआ है, इसको स्टार्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन कैम सेंसर का काम क्या है, कैम सेंसर का काम है कैम की और क्रैंक की दोनों की पोजिशन को मेजर करना, ठीक है। अगर गाड़ी का हमारा टाइमिंग रॉन्ग है तो ये हमारा कैम सेंसर फॉल्ट कोड क्रिएट करेगा P0 341, ठीक, 340,
इस टाइप के फॉल्ट कोड क्रिएट करेगा। जब ये फॉल्ट कोड आते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे कैम सेंसर में या वायरिंग में या हमारे टाइमिंग में कहीं इशू है। कई बार क्या होता है कि हमारी कैम शाफ्ट यहाँ से ब्रेक हो जाती है, आगे से हमारी कैम शाफ्ट पूरी घूम रही है इंजन के साथ, या हमारी क्रैंक लगी हुई है, क्रैंक के साथ में कैम घूम रही है और यहाँ से जब क्रैंक ब्रेक हो गई, टूट गई, तो यहाँ से कैम घूम नहीं पाती है और ये 341 का और 340 का फॉल्ट कोड क्रिएट कर देती है। तो कैम सेंसर का जो काम है वो कैम की और क्रैंक की पोजीशन को मेजर करना है। ठीक है, आपको मैं जिस तरीके से समझा पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। कोई चीज़ अगर समझा नहीं रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी कैम सेंसर की और क्रैंक सेंसर की। ये दो सेंसर हमारे गाड़ी में क्या काम करते हैं मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट सेंसर आता है हमारा मास एयर फ्लो सेंसर। ये जो हमारी CIDI गाड़ियाँ होती है जितनी भी, ये सारी गाड़ियाँ सेंसर पे कंपोनेंट पे डिपेंड है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? काम तो सभी कर लेते हैं, खोलना और कसना ये सबसे आसान है, लेकिन कैसे खोलना और कैसे कसना ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी काम को समझ के करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इस लाइन के जब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे, काम ठीक से नहीं कर पाओगे, तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कोई पार्ट लगा, जैसे ये मान लो इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर है, ये गाड़ी में क्या काम करते हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है मालूम होना। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि किस सेंसर का क्या काम है। बस हम सारे सेंसर के बारे में बात करेंगे, वो सारी जानकारी जितनी हमें मालूम है आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या सेंसर का क्या क्या काम होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आ गया हमारा एयर मार्क सेंसर। ये हो गया हमारा एयर मार्क सेंसर, जो कि हमारा एयर क्लीनर के ऊपर लगा होता है। इसकी जो लोकेशन है वो एयर क्लीनर के ऊपर होती है। ठीक है, एयर मार्क सेंसर। ठीक, ये हो गया हमारा एयर मार्क सेंसर। सर हो गया हमारा एयर मार्क सेंसर। ये सेंसर कई तरह के आते हैं। ठीक है, इसमें चार वायर वाला सेंसर भी होता है, पांच वायर वाला भी होता है, छः वायर वाला भी होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि चार वायर, पांच वायर, छः वायर, ये काम कैसे करते हैं? काम सबका लगभग सेम है, वायर इसमें ज़्यादा दे दिए। क्यों दे दिए? कि ये मास एयर फ्लो सेंसर है। ठीक है, इसे हम IAT सेंसर भी कहते हैं, एयर टेम्परेचर सेंसर। इंजन के अंदर जाने वाली एयर, जो एयर मार्क्स सेंसर होता है, वो इंजन के अंदर जो हमारा इंजन और टर्बो जो हवा खींचता, ऑक्सीजन को खींचता बाहर से, ठीक है, एयर क्लीनर में से, उस हवा का तापमान, टेम्परेचर कितना है इसको मेजर करना, दूसरा कितनी हवा आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है उसको मेजर करना, ये काम है हमारा एयर मार्क सेंसर का। क्योंकि इस गाड़ी के इन गाड़ियों में जितनी भी है CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, जितनी भी ये गाड़ियां हैं सब सेंसर पर डिपेंड है। इसमें कितना फ्यूल, कितना एयर पिस्टन को मिलना चाहिए, कितना मिक्सर होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, ये सब डिपेंड है सेंसर के ऊपर, ये सब डिसाइड करेगा सेंसर। अगर हमारा सेंसर फॉल्टी है तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, गाड़ी में पिकअप ड्रॉप होगा, ब्लैक स्मोक आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे। तो ये चीज़ें इन सेंसरों से, तो ये चीज़ें सब रिलेटिव है, आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं वायरों के बारे में। तो वायर ये जैसे हमारे चार, पाँच और छः, तो चार तार में हमारे आएंगे दो सिग्नल वायर, एक आएगा हमारा पॉजिटिव और एक आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, और दो आएंगे सिग्नल, दो सिग्नल इसलिए आएंगे, एक एयर फ्लो मेजर करेगा और एक एयर टेम्परेचर मेजर करेगा। ठीक है, अब हमारा पांच तारों वाला सेंसर है, इसमें हमारा दो वायर सिग्नल है, दो वायर हमारे पॉजिटिव है और एक हमारा ग्राउंड है। ठीक, जैसे हमारा छः तार वाला सेंसर है, इसमें दो पॉजिटिव, दो सिग्नल और दो ग्राउंड। ये हो गए हमारे तीन सेंसर, तीन टाइप के सेंसर। अब इसका काम क्या है? काम दरअसल इसका ये है, हमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद जब हमारा इंजन ऑक्सीजन को ले रहा है, एयर को ले रहा है, तो कितनी एयर जा रही है और कितने टेम्परेचर पर जा रही है,
इन चीज़ों को काउंट करने का काम है हमारे एयरमार्क सेंसर का, ठीक है। अगर गाड़ी में हमारे कम आती है, जैसे मान लो कि ये हमारा एयर क्लीनर है और हमारा यहाँ पर एयर फिल्टर बिल्कुल चोक है, चेंज नहीं हुआ टाइम से, और ये चोक हो गया है, तो यहाँ से इसको एयर कम मिलेगी, कम मिलेगी तो ये हमारा P01, P01, P02, P01, P03 का फॉल्ट पॉइंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारा एयर फिल्टर कैसा है। अगर एयर फिल्टर हमारा सही है तो फिर हम आएंगे यहाँ पर एयरमार्क सेंसर पे। कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमारा एयरमार्क सेंसर पे मट्टी जम जाती है, इसको हमें अच्छा पेट्रोल से साफ़ करना है, धोना है, धो के हवा लगाना, हवा लगाने के बाद फिर इसको लगाना और लगा के गाड़ी में चेक करना है। एयरमार्क सेंसर का फॉल्ट कोड चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर गाड़ी में पिकअप ड्रॉप हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो कपलर है इस कपलर को डिसकनेक्ट कर देना है। डिसकनेक्ट कर देने के बाद आपको गाड़ी को रन करना है। अगर गाड़ी में आपके पिकअप ड्रॉप होने की समस्या ख़त्म हो जाती है तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतने इतने एरिया में है, या तो आपका एयर फिल्टर चोक है, या फिर आपका एयरमार्क सेंसर ख़राब है, या फिर आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे लगता है कि एयरमार्क सेंसर की जानकारी काफ़ी हो गई है और आपको लगभग समझ में आ चुका होगा। कुछ अगर मैं समझाने से रह गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेंसर है हमारा अगला, वो है बूस्ट सेंसर, ठीक है। बूस्ट सेंसर क्या होता है, पहली बात बूस्ट क्या होता है, सेंसर तो हम सब जानते हैं सेंसर क्या है, पहले हमें देखना है कि बूस्ट का मतलब क्या होता है। बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। मान लो ये इतना बड़ा सर्कल है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बूस्ट करके इस सर्कल को ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया बूस्ट। तो बूस्ट सेंसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना। अब हमें क्या बढ़ाना है, कार के अंदर बढ़ाना है, गाड़ी का पिकअप बढ़ाना है, गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है, उसके लिए हमने क्या दिया गाड़ी के अंदर, कंपनी दिया उसके अंदर टर्बो चार्जर, क्या दिया है टर्बो। अब टर्बो जो पावर क्रिएट कर रहा है, एयर बना रहा है, उसको हम बोलते हैं बूस्ट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बूस्ट। अब टर्बो का जो बूस्ट है वो कितना है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये पूरी चीज़ मेजर करेगा हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर, जो कि इंटरकूलर पे लगा होता है। इसकी लोकेशन है इंटरकूलर, ठीक है। कुछ गाड़ियों में इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर भी लगता है, लेकिन मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर ये मिलेगा आपको इंटरकूलर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है, एक मिनट होना है। ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर हो गए, जो कि हमारा इसमें दो तरह के सेंसर आते हैं, एक होता है हमारा 3 वायर वाला सेंसर, एक होता है हमारा 4 वायर वाला सेंसर, ठीक है। ये हमारा बूस्ट को और बूस्ट के टेम्परेचर को मेज़र करता है, कितना टर्बो ने बूस्ट दिया, उसकी कितनी क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है, अच्छा है या ख़राब है, ज़्यादा टेम्परेचर है या डाउन है टेम्परेचर, क्योंकि वो दोनों चीज़ें उसका तालमेल ज़रूरी है, ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए टेम्परेचर, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है और बूस्ट कितना है ये मेजर करेगा और उसका सिग्नल देगा सीधे हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर ECU को, ठीक है। ECU को सिग्नल गया, उसके अकॉर्डिंग ECU दूसरे कंपोनेंट पे पावर सप्लाई करेगा। जैसे कि मान लो अगर बूस्ट हमारा कम है, अगर बूस्ट का जो पावर है वो कम है, तो ECU सिग्नल देता है हमारा टर्बो चार्जर को। अब टर्बो चार्जर तो कुछ टर्बो चार्जर मैनुअल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल भी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल टर्बो चार्जर होते हैं उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, एक्चुएटर सेंसर जिसको हम कहते हैं, उसको ECU सप्लाई देता है। तो एक्चुएटर सेंसर जब वर्किंग में आता है तो वो ऑटोमेटिकली टर्बो का बूस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। और जो मैनुअल जो हमारा टर्बो चार्जर होता है मैकेनिकल टर्बो, उसमें वो चलता है वैक्यूम से, और वैक्यूम को चलाने के लिए एक वैक्यूम मॉड्यूलेटर कंट्रोलर होता है, जिसको हम FICD भी बोलते हैं, इस टाइप का होता है, जिसमें 3 वैक्यूम की पाइप लगी होती है, ठीक, 3 वैक्यूम की पाइप लगी होती है इस टाइप की, जो एक टर्बो में जाती है और एक हमारे वैक्यूम
कंट्रोलर में जाती है, और दूसरी हमारी जाती है वैक्यूम पंप के अंदर जो वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है। तो ये बूस्ट प्रेशर सेंसर का जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, मेरे को लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि बूस्ट प्रेशर सेंसर का क्या काम है। बूस्ट प्रेशर सेंसर का काम है टर्बो के बूस्ट को मेजर करना और ईसीयू को सही सिग्नल देना, ताकि ईसीयू उसके अकॉर्डिंग अपना सारा पावर दूसरे कंपोनेंट को दे सके। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको बूस्ट प्रेशर सेंसर के बारे में भी पूरी जानकारी लगभग मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे अगले सेंसर के बारे में। अब नेक्स्ट सेंसर की बात करते हैं। अगला सेंसर है हमारा ABS, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक, ये सेंसर कैसे काम करता है और इससे क्या क्या फॉल्ट आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ये ABS सेंसर है। ABS सेंसर, इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे टायरों में होती है। ठीक, कुछ गाड़ियों के एक्सल में होती है, बेयरिंग में होती है। ABS का जब फॉल्ट कोड आता है तो सी सीरीज में भी आता है, यू सीरीज में भी आता है। जब भी फॉल्ट कोड आएगा तो हम सबसे पहले ABS सेंसर की वायरिंग को चेक करेंगे। अगर हमारी वायरिंग सही है तो सेंसर को चेक करेंगे, सेंसर भी सही है तो सेंसर जिसको सेंस करता है हम उस चीज़ को भी चेक करेंगे। जैसे बेयरिंग हुआ, बेयरिंग की कई बार रिंग ख़राब हो जाती है, हमारा एक्सल के ग्रुप ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा सेंसर का फॉल्ट कोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ABS का सेंसिंग का रिंग मान लेते हैं हम इसको, बेयरिंग की या एक्सल की। ठीक है, और ये हो गया हमारा ABS सेंसर जो कि सिर्फ दो तारों वाला आता है। ठीक, तारों के बारे में भी हम कुछ बात नहीं करेंगे, वायरिंग के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी, सारी वायरिंग के बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका काम है ABS को सेंस करना। ठीक, जब हम गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाते हैं, मान लो गाड़ी हमारी 80, 90 या 100 की स्पीड में चल रही है और अचानक से गाड़ी के सामने कुछ आ गया और हमने एकदम अचानक से ब्रेक दबाए या ब्रेक लगाए, तो क्या होगा, ABS हमारा सिग्नल देगा किसको, ABS मॉड्यूल को। ठीक, ABS मॉड्यूल को सिग्नल मिला कि भाई ओवर स्पीड के अंदर ब्रेक लगाए, तो ये क्या करेगा, ABS मॉड्यूल गाड़ी के ब्रेक को रोक रोक के लगाएगा। कैसे, ड्यूटी साइकिल में। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, ये कोई तो ब्रेक लगने की जो हमारी कंडीशन है वो ड्यूटी साइकिल हो जाती है। रोक रोक के ब्रेक लगेंगे तो उससे हमारी गाड़ी का जो स्लिप होने का जो डर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी हमारी वाइब्रेट करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो ये हमारा ABS का बेनिफिट। दूसरी चीज़, मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर ABS को हम व्हीकल स्पीड सेंसर भी कहेंगे, व्हीकल स्पीड सेंसर। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी गाड़ी की जो स्पीड है उसको भी मेजर कर रहा है। पहले हमारी गाड़ियों के अंदर गियरबॉक्स के ऊपर एक माइलोमीटर सेंसर होता था। ठीक है, स्पीडोमीटर सेंसर, माइलोमीटर सेंसर से अब हमारा ABS सेंसर के अंदर ही हमने उसको इंक्लूड कर दिया है, तो ये हमारा व्हीकल स्पीड को मेजर करके क्लस्टर पर स्पीड दिखाता है कि हमारी गाड़ी की कितनी स्पीड है। ठीक है, ये हो गया हमारा ABS सेंसर। अब बात करने जा रहे हैं हम अगले सेंसर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसर है। इम्पोर्टेंट सेंसर इसलिए है, सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला सेंसर हमारा स्विफ्ट के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है इस सेंसर में आती है, और बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कार के अंदर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं DRB, डीजल रेगुलेटर वॉल। इसको हम सेंसर नहीं कहेंगे, ये एक वॉल है, एक्चुएटर है। ठीक है, सेंसर नहीं है, ये वॉल है। सेंसर का काम होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना और उसका सिग्नल ECU को देना, लेकिन ये एक एक्चुएटर के हिसाब से काम करता है। इसकी जो फ्यूल क्वांटिटी को कितनी कम करना है, कितनी बढ़ाना है, ये काम हमारा DRB सेंसर का। ठीक है, अब DRB सेंसर काम क्या है, ये है हमारी कॉमन रेल। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा ये
DRB सेंसर, ठीक। ये हो गया हमारा DRB सेंसर दो तार वाला। DRB सेंसर हमेशा दो तार का ही आता है, मीटरिंग यूनिट भी दो तार का ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर पंप जो इंजन पे लगा हुआ है। यहाँ से आई एक मेन पाइप जो कि कॉमन रेल में गई। हाई प्रेशर ने डीजल प्रेशर को कॉमन रेल पर पहुँचाया, ठीक है। कॉमन रेल में यहाँ पे एक सेंसर और लगा हुआ है जिसकी बात हम इसके बाद करेंगे, ठीक। अभी इस सेंसर को हम पोस्टपोन करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं DRB सेंसर की। पंप ने प्रेशर दिया कॉमन रेल को, ठीक है। अब कॉमन रेल के अंदर जो प्रेशर है उसको कितना रखना है, कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, ये सारा काम है हमारे DRB सेंसर का, ठीक। ये हमारा DRB सेंसर। अब जैसे ही हमने गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करा, सेल्फ मारा, इंजन चला हमारा 200 से 250 RPM पे, उस वक्त उसको चाहिए 200, 225 के लगभग डीजल प्रेशर। कितना? 200 से 250 बार के आसपास, ठीक है। उतना प्रेशर यहाँ मेजर हुआ, रेल प्रेशर ने मेजर करा कि भाई इसमें 200 बार प्रेशर बन चुका है या 250 बार प्रेशर बन चुका है। तो प्रेशर बनाने का काम किसने करा? DRB ने। यहाँ से जो तेल हमारा रिटर्न जा रहा है, वापसी जा रहा है कॉमन रेल से, इस तेल को यहाँ पर रोक के, DRB का काम है इस तेल को रोकना, इस तेल को यहाँ पर रोक के, डीजल को रोक के यहाँ पर 250 बार का प्रेशर क्रिएट करना, ये काम है हमारे DRB सेंसर का। क्योंकि जब हम सेल्फ में लगा रहे हैं तो यहाँ से प्रेशर आ रहा है कॉमन रेल में, कॉमन रेल से रिटर्न जा रहा है वापस टैंक में, डीजल टैंक में, ठीक है। अब डीजल टैंक में जाने से रोकता है हमारा DRB सेंसर, यहाँ पर इसको रोकेगा, और रोकने के बाद कितना प्रेशर क्रिएट करना है, जैसे मान लो स्टार्टिंग पे हमें 250 बार प्रेशर चाहिए, तो ये 250 बार का प्रेशर DRB सेंसर ने क्रिएट किया। अब जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, अब हमने फुल एक्सेलेटर मारा तो मैक्सिमम 1600 बार प्रेशर होता हमें रेल के अंदर, ठीक है। और रनिंग में हमारा 800, 600, 500, 400 अप डाउन होता रहता है। तो ये सारा काम किसका है? हमारा DRB सेंसर का, डीजल रेगुलेटर वाल्व का। तो डीजल रेगुलेटर वाल्व जो होता है वो हमारा प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो दो वायर इसके इश्यूज आ रहे हैं, इसमें ग्राउंड एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्ट आता है, ग्राउंड इसका कंटिन्यूटी में आता है, कितना आना है कितना जाना है वो इश्यू डिसाइड करेगा रेल प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो DRB सेंसर जो है हमारा एक तरह से गाड़ी का एक्सेलेटर है। एक्सेलेटर कैसे है वो बताता हूँ। हमने गाड़ी को एक्सेलेट करा, गाड़ी को एक्सेलेट किया, गाड़ी ने सिग्नल, एक्सेलेटर पेडल ने सिग्नल दिया ECU को कि भाई 50% एक्सेलेटर दबाया गया, ठीक है। 50% एक्सेलेटर दबाया गया मतलब गाड़ी का पिकअप बढ़ना है, तो इतना एक्सेलेटर जब दबाया गया 50%, तो हमको यहाँ प्रेशर चाहिए कितना? 500 बार का, ठीक है। 500 बार का प्रेशर हमको रेल में चाहिए। तो ECU ने कमांड दी DRB सेंसर को, DRB ने डीजल की वापसी को रोका, रिटर्न को रोका, और यहाँ पे जो 362 बार का क्रिएट था प्रेशर, 300 बार को कन्वर्ट कर दिया उसने 500 बार में, ठीक है। यहाँ 500 बार का प्रेशर क्रिएट हुआ तो चारों इंजेक्टर की पाइप में प्रेशर बढ़ा, ठीक है। इंजेक्टर की पाइप में प्रेशर बढ़ा तो इंजेक्टर की फ्यूल क्वांटिटी जो थी, ये जो फ्यूल क्वांटिटी थी इंजेक्टर की, वो मान लो पहले 10% थी, तो वह 20% हो गई। तो इंजन का क्या हुआ? पिकअप बढ़ गया, पावर बढ़ गया। तो ये हमारा काम हुआ DRB का, एक तरह से एक्सेलेटर का भी काम ये इसमें करता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंसर आता है हमारा रेल प्रेशर सेंसर, जो कि इसी रेल पे लगा होता है, और उसका भी काम प्रेशर को मेजर करना है, ठीक। रेल सेंसर, ठीक है। ये हमारी रेल, और ये हो गया हमारा रेल प्रेशर सेंसर, जिसमें तीन वायर होते हैं, 5 वोल्ट रेफरेंस सिग्नल ग्राउंड। इसकी वायरिंग को कैसे चेक करना है,
कैसे ट्रैक करना है, कैसे ट्रेस करना है, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेल प्रेशर सेंसर। रेल के अंदर कितना प्रेशर बनना चाहिए और कितना प्रेशर बन रहा है उस चीज़ को मेजर करके ये बताता है ECU को, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी, अगर ये चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी तो ECU को सिग्नल गलत जाएगा, गलत जाने वजह से गाड़ी में नॉकिंग आएगी, ब्लैक स्मोक आएगा, P0191 या 192 या 193 का फॉल्ट कोड क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेल प्रेशर सेंसर है। रेल प्रेशर सेंसर का काम सिर्फ इतना है, रेल के अंदर बन रहे प्रेशर को मेजर करना और उसका सिग्नल ECU को पहुंचाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेल प्रेशर सेंसर। अब नेक्स्ट सेंसर आता है हमारा, अगला सेंसर है हमारा ऑटो सेंसर। ऑटो सेंसर क्या होता है? ऑटो तो एक फार्मूला है, इसका नाम है एक्चुअल में ऑक्सीजन सेंसर, ठीक। ऑक्सीजन सेंसर, ऑक्सीजन मतलब हवा। इसकी जो लोकेशन है वो आती है हमारे साइलेंसर पे या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे या कैटालिक कन्वर्टर पे, ठीक है। तीन जगह में से कहीं भी लगा हो सकता है। इसका काम है साइलेंसर में से निकलने वाली जो एयर है उसको मेजर करना, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना फ्यूल मिक्स है उसमें, उसको मेजर करता है ये और उसका सही सिग्नल ECU को देता है। अगर सही मात्रा में साइलेंसर से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी या जहरीली गैस निकलेगी तो उससे पोल्यूशन पैदा होगा और बहुत सारे नुकसान होते हैं पर्यावरण को भी, ठीक है। अब अगर ऑटो सेंसर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा जो कम्बशन चैम्बर है, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सर है वो सही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में पिकअप की माइलेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने का काम है हमारा ऑक्सीजन सेंसर का। ऑक्सीजन सेंसर साइलेंसर में से निकलने वाली जो हवा है, गर्म हवा, उसको मेजर करता है, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितना फ्यूल मिक्सिंग है, कितना कच्चा फ्यूल जा रहा है, कितना जल रहा है, कितना नहीं जल रहा है, ये सारी साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, कितनी साधारण ऑक्सीजन जा रही है, ये सब चीज़ों को मेजर करके ECU को सिग्नल देता है। जब ECU को ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो ECU उसके अकॉर्डिंग फ्यूल और एयर की मात्रा को बैलेंस करता है, जिससे हमारा कम्बशन चैम्बर के अंदर जो ब्लास्टिंग होती है वो सही होती है और सही होने से गाड़ी में पिकअप और माइलेज सही आता है और साइलेंसर से निकलने वाली जो एयर है वो भी सही मात्रा में निकलती है, उसमें जो जहरीली गैस होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन सेंसर है, इसका ये जो काम है ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हमारा जो नेक्स्ट सेंसर है अगला सेंसर हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर, इसको हम ETC भी बोलते हैं, ECT सेंसर। ये जो हमारा रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट होता है, जो इंजन के अंदर जो हमारा कूलेंट चलता है, उसको कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसका मेजरमेंट करता है और उसका सिग्नल ECU को देता है। जब हमारा इंजन कूलेंट गर्म होता है, ठीक है, मान लो 96 डिग्री सेल्सियस या 206 फ़ारेनहाइट, जब टेम्परेचर हमारा इतना पहुंचता है 96 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट यहाँ पर पहुंचेगा, तो टेम्परेचर पहुंचने के बाद ECU सिग्नल देगा हमारे फ़ैन को, हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा और फ़ैन होने के बाद, ऑन होने के बाद हमारी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर, जो कि गाड़ी को, गाड़ी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर, उसको मेंटेन करके रखता है। गाड़ी जब गर्म होती है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा फ़ैन को ऑन करता है, जब फ़ैन ऑन होता है तो गाड़ी का टेम्परेचर हमारा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, ठीक है।
और इसका फ़ैन ऑन होने का जो डिग्री है वो 96 डिग्री सेल्सियस या 206-208 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंसर की। अब नेक्स्ट सेंसर है हमारा एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर। इसकी लोकेशन तो सभी को मालूम होती है, एक्सेलेरेटर पेडल कहाँ होता है। अब इसका काम क्या है हम ये समझ लेते हैं। एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर इस टाइप का होता है हमारा एक्सेलेरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंसर होता है और यहाँ पर हमारा कपलर लगा होता है। इसमें 4 वायर का कपलर भी आता है और 6 वायर का कपलर भी आता है। ठीक है, इसका काम क्या है। इसका काम ये है, जब हम गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं, एक्सेलेरेट दबाते हैं, जैसे हमने एक्सेलेरेटर को दबाया, ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाएगा सीधे हमारा ECU को कि एक्सेलेरेटर 10% दबाया गया या 20% दबाया गया या 50% दबाया गया। ठीक है, जैसे हमने एक्सेलेरेटर को दबाया, कितना दबाया उतना सिग्नल ये ECU को देगा। फिर ECU यहाँ से कमांड देगा दूसरे कंपोनेंट को। दूसरे कंपोनेंट कौन से, जैसे कि हमारा DRB सेंसर, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सेलेरेटर पेडल का एक्सेलेरेटर का काम करता है। यहाँ कमांड आएगी, उसके बाद हमारे चारों इंजेक्टर पे जो पल्स जा रही है, ठीक है, वहाँ पर कितनी पल्स जाना है ये सब ECU डिसाइड करेगा कि कितना एक्सेलेरेटर दबा है, उसके अकॉर्डिंग कितना फ्यूल प्रेशर होना चाहिए और कितना इंजेक्टर पे पल्स होना चाहिए, पल्स वेट कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा एक्सेलेरेटर पेडल का। और इसकी लोकेशन आप सभी को मालूम है, क्लच और पेडल के पास में होती है। तो ये हमारा एक्सेलेरेटर पेडल है और इसका ये काम है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो P0 220 221 222 का फॉल्ट कोड क्रिएट होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम एक्सेलेरेटर पेडल ख़राब होने से आती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वायरिंग में कुछ फॉल्ट आ जाता है, या चूहों ने वायरिंग काट दी, या वायरिंग में कुछ हार्नेस वगैरह आ गई तो वायरिंग में दिक्कत आती है, वरना हमारा ज़्यादातर मैक्सिमम फॉल्ट कोड एक्सेलेरेटर पेडल से आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां कंपोनेंट सेंसर एक्सेलेरेटर पेडल का। अब 11वां नंबर है हमारा मीटरिंग यूनिट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी DRB के बारे में, ये DRB लगा होता है हमारा कॉमन रेल के ऊपर। जो काम DRB का है सेम एज इट इज़ काम हमारा मीटरिंग यूनिट का है, जो कि पंप के ऊपर लगा होता है, हाई प्रेशर पंप। जैसे कि आपने देखा होगा DDIS इंजन जो आता है हमारा स्विफ्ट में कॉमन रेल पर DRB आता है, लेकिन उसी इंजन में अगर आर्टिका में जाएंगे हम तो पंप के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जैसे ये, इसको बोलते हैं हम मीटरिंग यूनिट। ठीक है, जैसे हमारा स्विफ्ट में DRB आता है, वैसे आर्टिका के अंदर 680 नंबर का हमारा मीटरिंग यूनिट आता है। तो इसका भी काम सेम एज इट इज़ DRB के जैसा है। ये भी गाड़ी के एक्सेलेरेटर कंट्रोल करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, कॉमन रेल के अंदर कितना प्रेशर देना है, कितना कम करना है, ये सारी जो कमांड है मीटरिंग यूनिट की है, मीटरिंग यूनिट पे डिपेंड है सब चीज़ें। ये मीटरिंग यूनिट का काम है डीजल प्रेशर को कम ज़्यादा करना और मेंटेन करना। ठीक है, तो मीटरिंग यूनिट में जो चीज़ मैंने आपको बताई इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। DRB का काम जो है वही काम मीटरिंग यूनिट का है। ठीक है, अब मीटरिंग यूनिट में फॉल्ट कोड क्या आते हैं, दो मिनट रुकना। ये मीटरिंग यूनिट की आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और मीटरिंग यूनिट में जो फॉल्ट आता है, ज़्यादातर मैक्सिमम फॉल्ट आना फ्यूल प्रेशर बढ़ना। ठीक है, कई बार मीटरिंग यूनिट या हमारा यहाँ पर सेंसर में अंदर एक सोलेनोइड होता है जो चलता है, वो कई बार जाम हो जाता है। वो जाम होने की वजह से भी कई बार ये दिक्कत देता है, गाड़ी का फ्यूल प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से गाड़ी में नॉकिंग पैदा हो जाती है। और जब भी मीटरिंग यूनिट में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो हम देख सकते हैं स्कैनर लगा के P0 251 252 253 के फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं। तो हमें इन फॉल्ट कोड पे काम करना है, हमें फॉल्ट कोड को पहले सर्च करना है, फॉल्ट कोड क्रिएट करना है, फॉल्ट कोड को निकालना है, फॉल्ट कोड को समझना है, समझने के बाद फिर उस पर काम करना है। फॉल्ट कोड में आखिर हमें जब स्कैन करते हैं गाड़ी को
तो गाड़ी को स्कैन करने के बाद हमें ये देखना है कि फॉल्ट कोड के आगे डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन हम समझ नहीं पाते कि उसने क्या बोला है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए सर्किट लो या सर्किट हाई, इसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते। सर्किट हाई किस कंडीशन में आता है और सर्किट लो किस कंडीशन में आता है, इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसको समझेंगे ताकि हम आगे उसमें काम कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे वायरिंग की और सर्किट हाई और लो की, कि कहाँ पर कैसे ये फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग सेंसर मैंने इसमें कवर कर लिए हैं जो ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेंसर हमें परेशान करते हैं, दिक्कत देते हैं। तो ये लगभग हमारे सेंसर काफ़ी है इतने इंजन को समझने के लिए, ठीक है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार गाड़ी के ऊपर सारे सेंसरों की लोकेशन को भी देखेंगे और लोकेशन को समझेंगे कि कौन सा सेंसर कहाँ पर किस पोजीशन में लगा होता है, ठीक है। तो चलते हैं गाड़ी पे, रुक। अब ये आ गई हमारी गाड़ी, ये गाड़ी है हमारी महिंद्रा XUV 300, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जितने भी हमने सेंसर के बारे में बात करी है, उन सेंसरों की लोकेशन हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। लेके आओ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एयरमार्क सेंसर, ठीक है, ये हमारा 5 तारों वाला सेंसर है, ये इसकी लोकेशन, एयर फिल्टर पर लगी होती है। दूसरा ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इंटरकूलर के ऊपर। और ये है हमारा कैम सेंसर, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, ये हमारा कैम सेंसर है। और क्रैंक सेंसर हमारा फ्लाईव्हील पे लगा होता है, ठीक। ये हमारा वैक्यूम मॉड्यूलेटर जो टर्बो बूस्ट चार्जर को चलाने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे हम कि क्योंकि टर्बो इसमें मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल टर्बो है, तो इसमें टर्बो एक्चुएटर इलेक्ट्रॉनिक आता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टर्बो एक्चुएटर लगा हुआ है इसमें, ठीक। दूसरा हमारा सेंसर है पंप का मीटरिंग यूनिट, जैसे अभी हमने बात करी मीटरिंग यूनिट के बारे में, तो ये हमारा मीटरिंग यूनिट है जो गाड़ी में एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक। और तीसरा है हमारा रेल प्रेशर सेंसर जो यहाँ पर लगा है, यहाँ दिखा, ये हमारा रेल पे सेंसर लगा है, रेल प्रेशर सेंसर, ठीक है। तो ये गाड़ी में सभी गाड़ियों में लगभग लोकेशन सेम होती है सेंसरों की, और थोड़ी सी लोकेशन चेंज भी होती है किसी किसी गाड़ी के अंदर। जैसे क्रैंक सेंसर किसी गाड़ी में फ्लाईव्हील पे आता है, किसी गाड़ी के अंदर आगे मेन पुली पे आता है, टाइमिंग पुली पे, ठीक है। तो समझने का फेयर है। तो मैंने अब जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, समझेंगे तो हम काम कर पाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो खोलना और कसना बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, सेंसर के ऊपर डेडिकेट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा काफ़ी। अगर समझ में नहीं आया कुछ चीज़ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।